नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेडनेसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ सकता है। पहले हम बात करते हैं कि ट्यूसडे के दिन, आज के दिन निफ्टी कैसे परफॉर्म किया। निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, 17,822 के लेवल्स में क्लोज हुआ है, 131 पॉइंट्स ऊपर। दोस्तों देखिए, 17,750 के ऊपर क्लोजिंग देते 70 पॉइंट्स का इंट्राडे मोमेंटम आ गया। जैसे मैं को लेवल्स बताता था कि 17,750 जो है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वैसे मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ गई है, यहाँ पर 18,000 तक निफ्टी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 18,000 तक। जब तक 17,750 के ऊपर है आपको पुलिश रहना, मैंने पहले बताया था, तो अभी आप लॉन्ग कर सकते हो निफ्टी को, कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हो, पर नेक्स्ट वीक की कीजिएगा, थर्सडे की नहीं, यानी 7th अक्टूबर की नहीं, आप नेक्स्ट 14th अक्टूबर की आप कॉल ऑप्शंस ले सकते हो, 18,000 के कॉल ऑप्शंस ले सकते हो, 18,100 के कॉल ऑप्शंस ले सकते हो, ठीक है। अगले वीक की कॉल ऑप्शंस लीजिए, फ्यूचर्स को बाय करके होल्ड कीजिए। अभी निफ्टी 18,000 तक जा सकता है, कल भी गैप अप पॉसिबिलिटी है, 40-50 पॉइंट्स गैप अप होगा, गैप अप होते ही वो सस्टेन करेगा, देन 17,900 के लेवल्स कल इंट्राडे में क्रॉस करेगा निफ्टी। तो बाइंग की राय रहेगी, क्योंकि अच्छे लेवल के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था 17,750 इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसीलिए बुलिश ज़्यादा है मार्केट। यहाँ से 17,900 18,000 इजीली टच कर सकता है अभी इस वीक में, थर्सडे तक हो जाएगा, कल के दिन या परसों के दिन, और एल्स 14th अक्टूबर के पहले ही ये टारगेट्स रीच हो सकते हैं निफ्टी में। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज के दिन 37,741 के लेवल्स में हुआ है, 0.4% ऊपर। बैंक निफ्टी भी अच्छे पोजीशन में है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया बैंक निफ्टी ने, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल ये रहा 37,900, और इजीली कल के दिन, वेडनेसडे के दिन ओपनिंग 37,900 के ऊपर हो सकती है, अगर जैसे सस्टेन करता है 15 मिनट्स के दो कैंडल अगर सस्टेन करते हैं 37,900 के लेवल के ऊपर, तो ईजिली 38,200 से लेकर 38,500 ये लेवल्स में क्रॉस कर सकता है, इंट्राडे में पहुंच सकता है वेडनेसडे के दिन। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय रहेगी, इसमें भी आप नेक्स्ट वीक का ही बाय कीजिए, इस वीक का वॉलेटाइल रहेगा, डीके हो सकता है प्रीमियम, क्योंकि वेडनेसडे के दिन मार्केट फ्लैट रहता है, फ्लैट टू नेगेटिव या फिर फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव ऐसा रहता है, फ्लैट डीके होता है वेडनेसडे के दिन, तो ये भी नज़र रखिएगा। इसलिए अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शंस लीजिए, और एल्स फ्यूचर्स में बाय करके आप होल्ड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि अच्छे लेवल पे क्लोजिंग हुई निफ्टी की, इसीलिए आप रिस्क ले सकते हो और बाइंग ही कीजिए। अगर आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करना है तो भी आप बाइंग ही कीजिए निफ्टी में, क्योंकि 17,900 से 18,000 तक लेवल्स इजीली अचीवेबल है निफ्टी में। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।